कम बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, जिसको लेकर काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी ने किसानों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने अपने क्षेत्र का दौरा किया और किसानों की परेशानी जानी। इस दौरान उन्होंने कम बरसात से खराब हुई फसलों का भी जायजा लिया। कुणाल चौधरी ने खराब हुई फसलों को लेकर किसानों के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि बारिश नहीं होने की वजह से सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसान परेशान है। सरकार जल्द से जल्द मुआवजे का ऐलान करे। जिस प्रकार से सोयाबीन की पूरी फसल बांझ होने की कगार पे है, कई जगह पे स्थितियां गंभीर है, मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द निर्णय लेके इनके लिए काम करे और कहीं ना कहीं मुआवजे का ऐलान करे, ताकि जनता को राहत मिले। लगातार अवर्षा के कारण फसल परेशान है। पहले भी गेहूं की बेचने में समस्या हुई, फिर ना तो गेहूं के अभी तक पैसे आए, और उसके बाद भी जिस प्रकार सोयाबीन में भी पानी का एक पानी नहीं आ पा रहा है, ये ईश्वरी वो है। तो कहीं ना कहीं सरकार को निर्णय लेके इसके ऊपर जनता को राहत देनी चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।